अजय शर्मा ने डिलीवरी के मैनेजमेंट से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवा देते हैं। वेल, एक बहुत ही यूनिक कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है और वो है देश की जानी मानी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं इस उपलक्ष्य में संदीप बरासिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और अमित अग्रवाल जो CFO हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, काफ़ी यूनिक कंपनी है, इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को आप पहले अगर ये बता सकें कि जो आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल है, आपने किन खास बातों पे फोकस किया है कंपनी को बिल्ड करते हुए, लास्ट 11 सालों से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपका एक तरह से जो स्टैंड आउट करता है, वो कंपनी का मोट भी हो सकता है, इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं यूजुअली कंपनी में ही कौन से ऐसे एरियाज पे कंपनी फोकस कर रही है, तो अगर आप वो एक्सप्लेन कर सकें। जी अजय, वैसे देखा जाए तो हमारा बिजनेस काफी सिंपल है। लॉजिस्टिक्स एक कोर सेक्टर है इकोनॉमी में, कोई भी सामान जो मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी सामान जो मूवमेंट होता है, कोई भी सामान जो ट्रेड होता है, उसके लिए लॉजिस्टिक की जरूरत होती है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो भी किसी लॉजिस्टिक कंपनी ने लेके आए, कोई लेके आई है, हम जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो भी लॉजिस्टिक कंपनी लेके आती है, तो एक बहुत ही कोर सेक्टर है। और जनरली अगर आप देखेंगे दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स कंपनी काफी बड़ी होती है साइज में, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनीज होती है। हमारे देश में ऐसी बड़ी कंपनी उभर के अब तक नहीं आई। डिलीवरी पहली कंपनी है जो 2022 के 9 महीनों में 5,170 करोड़ का रेवेन्यू करी है, और हम पहली कंपनी है जो इस स्केल पे पहुंचे। तो हम क्या कर रहे हैं हमारे बिजनेस मॉडल में, 3-4 चीजें हमारे बिजनेस मॉडल में काफी यूनिक है। एक, हम ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, हम काफी स्केल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये कंपनी स्केल से ही उभरती है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी उस पर एक लार्ज स्केल बिजनेस बनाए। सेकेंड, हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हमारे जो फैसिलिटीज हैं उसमें जो ऑटोमेशन होती है वो सब वर्ल्ड क्लास है। एक 5 लाख स्क्वायर फीट के हब्स गुड़गांव में, 5 लाख स्क्वायर फीट के हब भिवंडी में, और उनमें मैसिव काफी तरीके से ऑटोमेशन हमने डाला हुआ है। तीसरी चीज हमारे बिजनेस में है कि इसमें काफी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसको यूनिक बनाने के लिए, और वो पूरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हमने खुद लिखा है पिछले 10 साल में, वो पूरा जो सॉफ्टवेयर स्टैक है वो हमने खुद बनाया है, और उसमें काफी डेटा के एप्लीकेशन भी है, और ये सॉफ्टवेयर किसी और को खरीदने में नहीं मिलेगा, इसको बनाना पड़ता है, और ये हमने 10 साल में लगान से बनाया है। दो और चीजें हमारे बिजनेस में, हम कंप्लीट एसेट लाइट बिजनेस है, उसका मतलब कि हम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं और हम ट्रक्स नहीं खरीदते हैं। हम दिन में 8,000 ट्रक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम 300 ट्रक हमने खरीदी है, वो भी बड़े ट्रक्स, नए फॉर्म फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम 14 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेट करते हैं इंडिया में, और हमारे पास 1 स्क्वायर फीट लैंड एंड बिल्डिंग नहीं। हम अपना इन्वेस्टमेंट केवल ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो ये खासियत है। और लास्ट पॉइंट है कि हम अकेले कंपनी इंडिया में जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मतलब कि हम लॉजिस्टिक्स की कई सर्विसेज एक साथ अमित, आपके साथ आना चाहूंगा कि जब आप एक हर तरह के सॉल्यूशंस अपने हर तरह के क्लाइंट्स को देना शुरू करते हैं, तो आप क्रॉस सेलिंग भी हो जाती है, जैसे एक बैंक करता है, फी बेस्ड इनकम बढ़ जाती है, बहुत प्लेन वनीला लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस नहीं होते, आप वैसे ही कंपनी एक तरह से हैं, अगर आप ये बता सकें जो स्केल आप अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, इससे यूनिट इकोनॉमिक्स कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और एफिशिएंसीज, क्योंकि आफ्टरऑल कैपिटल का इस्तेमाल, कैपिटल यूटिलाइजेशन और आपके रिटर्न रेशो इसी बात का डेरिवेटिव होंगे काफ़ी हद तक। अमित जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है आपने अजय जी। लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही स्केल सेंसिटिव बिजनेस है, इसमें जितना ज़्यादा स्केल होता है और जितना आप उस स्केल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर उतना लो होगा, आपकी सर्विसेज उतनी ही कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं मार्केट में। आप अगर हमारे RHP पर नज़र डालें तो हम 2019 फिस्कल ईयर में अपने कस्टमर्स को एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी जो देते थे उसमें हमारा प्राइस टू आर कस्टमर्स, आर चार्ज टू आर कस्टमर्स वॉज अबाउट 92.5 रुपीस पर पार्सल। हमने 9 महीने 2022 के में इस प्राइस को घटाकर 72.5 रुपीस पर पार्सल कर दिया है। हमने कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स
तकरीबन 22-23% से अपने कस्टमर्स के लिए इन 3 साल में कम कर दिया। इसको इस कारण से हमारे कस्टमर्स की ग्रोथ हुई है बिजनेसेस की, और साथ में हमारे बिजनेस की और ज्यादा ग्रोथ हुई है। हमारा बिजनेस इन इस पीरियड में ई कॉमर्स बिजनेस 45% की गति से बढ़ा है साल दर साल। सो लॉजिस्टिक्स बहुत ही स्केल सेंसिटिव बिजनेस है और हम स्केल को बिल्ड करने के लिए फोकस कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम नए बिजनेस लाइंस में गए हैं पिछले 3 साल में, हमारी स्ट्रेटेजी उन बिजनेस लाइंस में भी यही है कि हम स्केल बिल्ड करें, क्वालिटी सर्विस दें, कॉस्ट रिड्यूस करें, और वो अपने कस्टमर हमारे कस्टमर्स को अपना बिजनेस करने में बेहतर बनाएं। बिल्कुल संदीप, जैसा कि इन्होंने बताया अमित ने कि आप न्यू बिजनेस लाइंस में गए, नॉट ओनली एग्जिस्ट नए कस्टमर आप लाए बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी काफ़ी बिजनेस आपने उनके साथ किया और नए लाइंस इंट्रोड्यूस की, और इससे आप स्केल अचीव कर रहे हैं, आपके हिस्टोरिक नंबर्स बता रहे हैं। मैं आपसे कोई फोरकास्ट नहीं मांगूंगा इस स्टेज पे, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स को और आपके प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स जो देख रहे हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी ग्रोथ स्टोरी में, उनको ये बताना चाहें कि फाउंडर्स का, टॉप मैनेजमेंट का विजन क्या है कंपनी को लेके, क्या ड्रीम आप देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारा कंट्री 2.5 ऑलमोस्ट $3 trillion की इकोनॉमी तो बन गई, 5 trillion को नजर रखे है, लेकिन लॉजिस्टिक बहुत फ्रेगमेंटेड एरिया है, फ्यूअर लार्ज बड़ी कंपनियां नहीं है यहाँ पे, टू मैनी मिड साइज और स्मॉल कंपनीज हैं, तो आपको पोटेंशियल क्या दिखता है, क्या किस चीज की तरफ टारगेट सेट किए जा सकते हैं बड़े लेवल पे? जी, जैसे आपने कहा कि मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आपने कई बात रखी है अपने अपने सवाल में जो बहुत अहम बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया 3 trillion की इकोनॉमी हो चुकी है, 5 trillion की तरफ बढ़ रही है। अगर आप दुनिया में देखेंगे, चाइना में पिछले 12 साल में 5-6 कंपनियां उभर के आई हैं जो 5 billion, 7 billion, 10 billion की लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अब अमेरिका में देखेंगे फेडेक्स 50 billion की कंपनी है, यूपीएस 100 billion की कंपनी है, यूरोप में देखेंगे तो DHL बहुत बड़ी कंपनी है, कुलनागल बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी इकोनॉमीज में बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी की जरूरत होती है, और हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसी कंपनी बनाए भारत के लिए, और केवल डिलीवरी नहीं, कई कंपनियों की जरूरत होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अगर लीडरशिप लेंगे और भी लोग हमारे तरह कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी हम 21,000 कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, जो 5 लाइन जो अलग अलग बिजनेस लाइंस हमारे हैं। 58% रेवेन्यू हमारा जो साल का कमाई है वो ऐसे कस्टमर्स से आता है जो 2 या ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं। तो आपने क्रॉस सेल के बारे में कई बार बातें करी, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो एक सर्विस में आते हैं फिर दूसरी सर्विस भी ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 साल में हम ग्रोथ पे ध्यान दें, हर एक बिजनेस लाइन में डेप्थ बढ़ाएं, हर एक बिजनेस लाइन में ब्रेथ बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पे और इन्वेस्टमेंट करें, और ये सब ऑर्गेनिकली करें, और इसके ऊपर जो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आएगी, हमने काफी राशि इकट्ठा कर रहे हैं, वो M&A के लिए हमने पार्क किया हुआ है, और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी भी हम देखेंगे जिससे कि वो जो ग्रोथ की औसत है वो और भी बढ़ाया जाए। ऑलराइट जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए, और गुड लक फॉर योर IPO, वापस से बात होगी बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, तो ये थे डिलीवरी के मैनेजमेंट IPO पर हमारे साथ बात करते हुए।